कौन सही कौन गलत, जोमैटो बॉय कामराज या हितेशा बेंगलुरु की एक लड़की। हाल ही में काफी सारा डिबेट चल रहा है, काफी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं ये टॉपिक के ऊपर। जो न्यूज सामने आई वो हिसाब से हितेशा जो बेंगलुरु में रहती है उसने रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया। रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने के बाद में जोमैटो डिलीवरी बॉय जो था कामराज, उसने वो ऑर्डर सर्व किया। वो ऑर्डर सर्व करने के लिए उसको लेट हो गया, 45-50 मिनट के ऊपर हो गया। उसने वो ऑर्डर हितेशा को सर्व किया, मगर हितेशा ये चाहती थी कि ये ऑर्डर को बहुत लेट हुआ है तो ये ऑर्डर फ्री डिलीवरी में होना चाहिए। इसलिए वो कस्टमर केयर के साथ में बातचीत कर रही थी और हितेशा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जब हितेशा ने वो जो उसको पार्सल मिला था फूड पार्सल, उसका पैसे देने से इनकार किया कि वो कैश ऑन डिलीवरी था, तो नेचुरली कामराज जो है वो पार्सल उठाने लगा। उसमें जो न्यूज़ सामने आई उसके मुताबिक दोनों में थोड़ी झटापटी हो गई, और उसमें कामराज का ऐसा कहना है कि हितेशा के हाथ में जो अंगूठी थी वो अंगूठी उसके नाक के ऊपर लग गई और उसको वहां से ब्लीडिंग चालू हुआ। हितेशा का ये कहना है कि कामराज ने उसको मारा हुआ है, और उसने हितेशा ने वो हिसाब से पुलिस में कंप्लेन कर दिया। कामराज के ऊपर कंप्लेन दर्ज हो गई, कामराज को पुलिस ने अटक कर लिया। और अभी कंपनी के मालिक है दीपिंदर गोयल, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जाहिर किया हुआ है, और उसमें उन्होंने बोला है कि भाई हितेशा को जो भी कॉम्पेंसेशन है, जो भी है हम कंपनी देंगी, वो खर्चा जो है वो कंपनी देगी। कामराज को अस्थायी रूप से भी सस्पेंड कर दिया गया है, और कामराज को भी जो खर्चा लीगल वगैरह आएगा वो भी कंपनी बेयर करेंगी। हालांकि कामराज का अभी तक का जो रिकॉर्ड है तो उसको रेटिंग 5 में से 4.7 दिया गया है, ऐसा भी कंपनी ने बोला हुआ है। तो उनका कामराज के प्रति एक ऐसा है कि वो अच्छा लड़का है। अब ये पूरे मामले में ये देखना है कि भाई एक जोमैटो का डिलीवरी बॉय है, वो कैश ऑन डिलीवरी में वो एक कोई पार्सल सर्व कर रहा है, और वो पार्सल सर्व करने के बाद में उसके पैसे मांग रहा है, और वो लड़की बोल रही है कि अभी हमको फ्री डिलीवरी होना क्योंकि आपने लेट कर दिया है करके पॉलिसी के हिसाब से। देखिए ऐसे हमारे ज़िंदगी में बहुत ऐसे मौके आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। वो जोमेटो का डिलीवरी बॉय रहो या टैक्सी वाला रहो या ऑटो वाला रहो या सब्जी मंडी में अपन सब्जी खरीदने जाते तब रहो या कोई दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं वो रहो, ये लोग जो है वो अपने पेट के लिए काम करते रहते हैं, वो हार्डवर्क करते रहते हैं। अब ये जो डिलीवरी बॉय है वो उसने ये बताया हुआ है कि रास्ते खराब थे, रास्तों में बहुत तकलीफ हुई आने के लिए, इसलिए लेट हो गया। अभी हमने क्या करना चाहिए बता रहा हूँ मैं, गलत सही का नहीं सवाल, हमने क्या करना चाहिए कि भाई ये जो लोग हैं जो हार्डवर्क करते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा गया तो क्या फर्क। देखो समझो हम कटिंग सैलून में जाते हैं, वो बोलता है कि नहीं 100 रुपीज़ हो गए, हम उसके साथ में झंझट करेंगे, नहीं 100 कैसे ले रहे, मैं तो बोलता हूँ कि 100 हो गए ना उसको 110 दे दो, खुश हो जाएगा, अगले बार आपको राजा जैसा ट्रीटमेंट देगा। आप कोई टैक्सी से ऑटो से जा रहे हैं उसका बिल 300 हो गया ना, उसको 310 दे दो। आप होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं ना, जो आपको बिल हो गया ना उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दो। आप समझो ऐसे जगह जगह ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा एक साल में, एक साल में बोल रहा हूँ मैं, समझो अपन ऐसा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, हो सकता है कि 4,000-5,000 साल भर में हो सकता है कि अपन जब ऐसा ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। आपको राजा जैसी ट्रीटमेंट मिलेगी नंबर एक, और सामने वाला जो पेट के लिए बेचारा काम कर रहा है ना, जो पेट के लिए काम कर रहा है उसके पेट के ऊपर पैर नहीं दिया जाएगा, उसको वो खुशी भी हो जाएंगी उसका पैसा कट करना। हम तो वैसे पैसे बहुत खर्चा कर देते हैं, काफ़ी जगह हम पैसा खर्चा करते हैं। हम वहाँ जाते बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट जाते हैं तो एक प्लेट सब्जी हम बुलाते हैं तो एक प्लेट सब्जी जो एक्चुअली सब्जी मार्केट सब्जी लाते हैं तो उसका कितना हो जाएगा, 25 रुपये, 25 रुपये का मटेरियल उसमें डाला होगा वो हम कितने में देते हैं, 250 रुपये, 300 रुपये। वहाँ हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये 300 कैसे लगाए, ये तो 25 में ये सब पूरा मटेरियल मिल जाएगा। 25 का मटेरियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर सब्जी की 25 रुपये होंगी, हम उसको 300-350 ऐसे पैसे देते हैं वो रेस्टोरेंट में जाके। वहाँ तो हम दे रहे हैं, हम बड़े बड़े कपड़े खरीदते हैं तो वहाँ तो हम भावताव नहीं करते, हम बड़े मॉल में जाते हैं वहाँ तो भावताव नहीं करते हैं, तो फिर छोटे लोग जो है उनके साथ में भावताव क्यों करना चाहिए। थोड़ा सा गया पैसा ज़्यादा तो एक साल में 2,000-4,000-5,000 जाएगा, पूरे ज़िंदगी में आपके पूरे ज़िंदगी में कितना जाएगा देखो कुछ नहीं, मगर आप एक देने वाले इंसान रहेंगे, आप एक कंट्रीब्यूशन करने वाले इंसान रहेंगे, उसमें आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और सामने वाला जो उसको भी अच्छा लगेगा और अपनी सर्विस वो अच्छा देगा आपको। आप जब भी जाएंगे ना एकदम आपको राजा जैसे वेलकम करेगा। तो कभी भी एक देखो होटल में आप जब जाते हैं तो टिप देना, रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो टिप देना है, लॉजिंग में करते मतलब वहाँ रहते हैं तो वहाँ टिप दे दो, जहाँ वो डिलीवरी करते हैं या दूध वाला होगा, छोटा आदमी कोई भी होगा, कटिंग सैलून वाला होगा, ऑटो वाला होगा, टैक्सी वाला होगा, बेचारे वो पेट के लिए काम करते हैं,
और हमने उनको काटा काटी करना, उनके पैसे काटना, उनके साथ में झंझट करना, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होता है, और एक बताना यहाँ चाहता हूँ मैं, कि जब मैं मेरे से लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ में जब झंझट करता हूँ ना, तो मुझे उसके लेवल पे उतरना पड़ता है, उसको बहुत मजा आता है क्योंकि उसने बड़े आदमी के साथ में झंझट कर ली, हमने क्यों वो लेवल पे चले जाना है। ऐसा बोला जाता है कि डोंट फाइट विद द पिग्स बिकॉज यू आर क्लोज गेट डर्टियर एंड पिग्स लाइक इट टू। ऐसा बोला जाता है कि सुअरों के साथ में झंझट मत करो, सुअरों के साथ में आप झंझट करोगे, झगड़ा करेंगे, फाइट करेंगे, तो सुअर को अच्छा लगता है और आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। और ये जो घटना हुई है तो उसमें से हमको ये देखना है कि भाई हमने ऐसी झंझट जो हार्ड वर्कर है उनसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पैसा गया तो चलता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो और ये वो लोगों तक पहुँचने दो जो ऐसे ऑर्डर करते रहते हितेशा जैसी, और वो देंगे लोगों को, दे विल बी द डोनर, दाता रहेंगे, गिवर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।